क्या मुस्लिम वोटर और यादव सब योगी के फैन बन जाएंगे? क्या पहली पारी सियासत के नाम, दूसरी पारी होगी यूपी के नाम? क्या करने वाले हैं योगी? बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आजकल चर्चाएं चल रही हैं कि शपथ लेने के 10 दिन में जो टेलर योगी ने दिखाया, अगर ये यूं ही 5 साल तक जारी रहा तो फिर योगी का कद आखिरकार क्या होगा और योगी कहां होंगे, इसकी शायद कल्पना तक नहीं की जा सकती। अगर पहले 10 दिन की बात करें तो योगी ने संकेत दे दिया कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी करेंगे। शपथ से पहले ही बुलडोजर चलाया, शपथ के बाद अधिकारियों का पसीना बहाया। सिर्फ माफिया गुंडे अपराधी पर फोकस नहीं, योगी के तैयार हैं कई नए मिशन। पहले कार्यकाल में बेलगाम अधिकारी, दूसरे कार्यकाल में पटरी पर लौटे। अब योगी काफी बदले बदले लगते हैं। मायावती की ताकत योगी के पास, अखिलेश की ताकत का होगा इस्तेमाल। तो क्या पहले 10 दिन की तरह होंगे 5 साल? चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। अगर यूपी में योगी की रफ्तार ऐसी ही रही तो फिर अगले 5 साल बाद यूपी की कहानी अलग होगी। योगी का कद इतना बड़ा होगा कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यादव मुस्लिम वोट भी योगी की नई प्रयोगशाला में शामिल होंगे। योगी में जो पहले बदलाव दिख रहा है वो हवाबाई बातें न करना। पहले कार्यकाल में योगी की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन बाद में कई कारणों से कम हो गई, जिसमें एक कारण कोरोना भी माना जा सकता है। लेकिन इस बार योगी कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं और नतीजा ये है कि शोर कम है और काम ज्यादा। कुछ दिन पहले कुशीनगर में बाबर की मौत हुई तो योगी आदित्यनाथ ने बाबर को अपना भाई बताया और मां को भरोसा दिया कि आपका दूसरा बेटा जिंदा है। गाज़ियाबाद में 9 दिन तक मुर्गे ना बेचने का एक प्रशासनिक लेटर जारी हुआ तो योगी ने उसे तुरंत कैंसिल कर दिया। और इस तरह का अंदाज योगी का पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा बदलाव बहुत हुआ है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये कि मोदी ने जो कैबिनेट योगी को सौंपी है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जिसकी उम्मीद योगी को थी। फिर भी योगी ने यूपी का 60% अपने पास रखा है। मंत्री चाहे जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, रिपोर्ट तो योगी को करना ही पड़ेगा। ज्यादातर विभागों की समीक्षा योगी खुद करेंगे। मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है और उन्हें लखनऊ में कम रहने की हिदायत दी गई है। यानी पिछली बार सिर्फ योगी ही जमीन पर छा रही, लेकिन इस बार अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में हैं और जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। इससे साफ संदेश है कि सभी को राउंड 0 पर रहना होगा। शपथ के बाद बुलडोजर की रफ्तार 100 पार, माफिया से ज्यादा अपराधियों पर नजर। गोरखपुर पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर के घर चला बुलडोजर, यानी इस बार सिस्टम पर चोट। आपको बता दें कि चुनाव से पहले गोरखपुर में व्यापारी मनीष की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी 6 पुलिस वाले हैं। विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे, इसके बाद 6 महीने के भीतर ही ऐसे पुलिस कर्मियों पर बुलडोजर चला। इस बार योगी सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार पर करने वाले हैं। कहीं भी शिकायत मिली तो अपराधी नपे जाएंगे। पहला दिन योगी ने राजनीतिक संदेश दिया, दूसरा दिन अधिकारियों को संदेश दिया, जो वादा चुनावों में किया उन्हें जमीन पर उतारो। तीसरा, मई जून में शिमला बनाना, अप्रैल से पहले ही शिमला जैसे हालात। चौथा दिन, मुसलमानों को अच्छा संदेश, कहीं भी अपराध हो तो योगी उनके साथ। अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं, कब्जाधारी खुद बुलडोजर को न्योता दे रहे हैं। कानून का डर बढ़ रहा है। बीजेपी ने दानिश अंसारी को मंत्री बनाया, मुसलमानों को पक्ष में लाना। तो शपथ के 10 दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसका विरोध किसी भी धर्म या जाति के लोग ना कर पाए। यानी जो नारा पहले कार्यकाल में दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, वो दूसरे कार्यकाल में दिखाई दे रहा है। अगर योगी यूं ही अगले 5 साल काम करते रहे तो देश का मुसलमान और यादव भी योगी को दिल्ली बुलाने में कसर नहीं छोड़ेगा। यानी ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।